राम राम सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, जहाँ होंगे मस्त होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो होगा आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी कैंडिडेट फिजिकल देने के लिए जा रहे हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपका चेक किया जाएगा, आपका जो मेडिकल और फिजिकल एक साथ होने वाला है, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका होने वाला है। उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए आपके पास और किस डेट का होना चाहिए, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है ताकि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर ना हो, क्योंकि आपको इसके बाद जो है कि मौका शायद से नहीं मिलेगा या फिर मिल भी सकता है, लेकिन आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना चाहिए। और जो जो हम आपको बता रहे हैं उसको आप अपना पेन पेन कॉपी लेकर रखिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा और हर एक जाने से पहले ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके जाइएगा और अपना डेट को भी देख लीजिएगा कि कब कब आपका डेट है इसमें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए देखेंगे ताकि आपका जो भी डाउट रहेगा वो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड वो सारा कुछ आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। उससे पहले आप सभी के लिए छोटा सा इन्फॉर्मेशन, जो भी कैंडिडेट एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मार्केट में एक नई बुक लॉन्च हो चुकी है जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से है। इस बुक की अगर खासियत की बात करें तो इसमें आप लोगों को 750 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे और इसमें आपको चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी में आपको रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, हिंदी की भी आपको बुकें मिल जाएंगी चक्षु प्रकाशन की तरफ से, जिसे आप लेकर अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। यदि आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो नीचे इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके इसे फ्लिपकार्ट अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप फिजिकल देने जाइए, अच्छे से फिजिकल क्वालिफाई कीजिए, मेडिकल क्वालिफाई कीजिए। अब आता है लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये आपका, आप हो सकता है किसी चालाकी से आप इस पर बच जाएं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ओलझोल करके, लेकिन आप जब सेंटर पे जाइएगा, ज्वाइनिंग लेने के बाद भी लोग डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे अभी भी वेरिफिकेशन नहीं आया है, करीब 200 लोगों का वेरिफिकेशन नहीं आया है हमारे सेंटर पे, 1100 लोगों में 200 लोगों का वेरिफिकेशन नहीं आया है, उनका वेरिफिकेशन अभी चल रहा है, वो छुट्टी भी नहीं आया है, ठीक है। तो इस बात का आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपका जो ज़रूरत होगा, सबसे स्टार्टिंग में आपको जो चेक किया जाएगा वो होगा आपका एडमिट कार्ड, जो आपको मिल जाएगा ऑनलाइन निकलवा लीजिएगा, उसमें फ़ोटो होना चाहिए आपका, ठीक है। फ़ोटो नहीं है तो अपना फ़ोटो आप वहाँ पे चिपका सकते हैं, कई लोगों का होता है जो फ़ोटो नहीं होता है। उसके बाद अपना आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड में आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये दो चीज़ बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ पूरा होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपका है 1 जनवरी 2002 है तो आपका 1/01/2002 आपका पूरा लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका आधार कार्ड में लिखा हुआ है नाम और जो आपका एडमिट कार्ड में नाम है वो आपका 10th का मार्कशीट आपको लेके जाना है, एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, ठीक है। ये दो चीज़ आपको लेकर जाना है, इसमें आपका जो है कि नाम आपका और डेट ऑफ बर्थ जो है कि वो सेम होना चाहिए, ठीक है। कई लोग जो है कि दोबारा से अटेंड करते हैं तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से भी अटेंड आप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट जो है आपका जो आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स का जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपका मैच होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, क्योंकि डोमिसाइल यहाँ पे मुख्य तौर पे मांगा जाता है एसएससी जीडी में, क्योंकि ये स्टेट वाइज वैकेंसी आती है। तो डोमिसाइल आपके पास जिस भी स्टेट में रह रहे हैं, चाहे वो नक्सल प्रभावित हो, चाहे जनरल एरिया हो, चाहे वो बॉर्डर एरिया होगा, वो आपका वहाँ का आपका, कई लोग होते हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में जनरल एरिया में रह रहे होते हैं लेकिन उनका परमानेंट एड्रेस जो है कि वो नक्सल का होता है, या फिर इसको उलट जैसा भी होगा आपका, हो सकता है कि आप नक्सल में अभी रह रहे हो और आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपका कहाँ का है, वो नक्सल का है, जनरल का है। तो आप जहाँ परमानेंट आपका एड्रेस है, जिस भी जगह पे परमानेंट एड्रेस है वहाँ का आपका डोमिसाइल चलता है, ठीक है। तो वहाँ का आधार कार्ड में भी एड्रेस होना चाहिए और वहाँ का आधार कार्ड में एड्रेस कोई दिक्कत नहीं है, परमानेंट एड्रेस आपका जो जहाँ पे होगा, आप जैसे कि आप जिस धनबाद में रह रहे हैं तो धनबाद का आपका डोमिसाइल होना चाहिए परमानेंट एड्रेस का, ठीक है। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, छूट लेना चाहते हैं, ST 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 SC या फिर OBC या फिर EWS, तो उसका आपके पास होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका EWS के लिए, और ST SC के लिए एनेक्सर और कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और कुछ लोगों का मन में डाउट रहता है कि क्रूशियल डेट को लेके क्या दिक्कत होता है, क्रूशियल डेट क्या होता है, तो क्रूशियल डेट के बारे में आप जानते होंगे, क्रूशियल डेट जिस दिन से फॉर्म भरा था उससे पहले का आपके पास होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, आपके पास क्रूशियल डेट के बाद का भी आपके पास नया डॉक्यूमेंट्स बनवाया है आपने तो नया डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइएगा, लेकिन इससे पहले आप कभी भी अपना जो सर्टिफिकेट बनवाया है, चाहे डोमिसाइल हो, चाहे जाति आवासीय हो, जो भी है, उससे पहले किसी कभी भी बनाया, चाहे वो एक्सपायर ही क्यों ना हो गया हो, ठीक है। हालांकि 3 साल वैलिड होता है सारे डॉक्यूमेंट्स का वैलिड जो है 3 साल होता है सेंट्रल लेवल पर, ठीक है, DC लेवल या फिर SDU लेवल बनाए होंगे तो 3 साल उसका वैलिडिटी रहता है,
उससे पहले का भी आपके पास है तो वो भी आप लेकर जाइएगा, और नया वाला भी आप लेकर जाइएगा, ठीक है। अगर नया वाला आपको अगर नहीं मिल पाया तो आपको रिसीविंग जब अप्लाई किए होंगे आप, तो उसका रिसीविंग आपके पास होगा, वो रिसीविंग भी आप लेकर जा सकते हैं। ध्यान रहे डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को नहीं छाटा जाएगा कभी भी, यहाँ पर फर्स्ट टाइम में कभी भी छाटा नहीं जाता है। जब आपका वेरिफिकेशन होता है सेंटरों में जाके भी होगा, सेंटर में जाने के आपके ट्रेनिंग चलने के दौरान भी होगा, उस समय जो आपको बहुत सारा दिक्कत होगा। और अभी भी आपको यहाँ पे अगर किसी तरह कोई गड़बड़ी पाया जाता है तो यहाँ भी आपको छटा जाएगा। लेकिन अगर किसी तरह कोई कमी पेशी रहता है लेकिन आपको टाइम दे दिया जाता है, पिछली बार तो टाइम दिया जा रहा था लेकिन इस बार का नहीं पता है कि टाइम दिया जाएगा कि नहीं, क्योंकि इस बार मेडिकल और फिजिकल साथ में है। फिजिकल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, उसमें कोई भी तरह का दिक्कत होने पर आपको कह दिया जाता था कि आप मेडिकल में जाइए, मेडिकल जब आपका होगा तब आप अपना ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट जो आपका कमी है इसको आप बनवा के या फिर नया बनवा के आप लेकर आइएगा। तो और हाँ, और अपने पास जो है कि कम से कम 12 पीस फ़ोटो, एक दर्जन फ़ोटो, अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, रीसेंट का फ़ोटो आप रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अपने साथ कैरी करना चाहिए, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसका सभी का आप जेरेक्स लेके जाइए, कम से कम तीन तीन चार चार कॉपी ले, चार कॉपी तो कम से कम लेकर ही जाइएगा सभी डॉक्यूमेंट्स का, जो जो हम बताए हैं ये मेन डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा अगर आपको कुछ लगाना है, 10th बेसिस पे भर्ती है, 10th का ही आप डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा। इसके अलावा अगर कुछ कर रखे होंगे तो बाद में जब आपका जब ज्वाइनिंग होगा तब आप वहाँ पे शो कर सकते हैं, तब वहाँ पे आप अपना उसमें सीट में लगवा सकते हैं, ठीक है। अभी देने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, उतना ढो के ले जाने का भी ज़रूरत नहीं है, कहीं मान लीजिए कुछ ऊपर नीचे हो गया, घूम गया तो फिर आपको बहुत ज़्यादा लफड़ा हो जाएगा, इसलिए अभी आप सिर्फ 10th का ही डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा। हाँ, 10th का जो है कि पासिंग सर्टिफिकेट जो होता है, जो पास होने के बाद मिलता है, उसको भी लेकर आप जरूर से जाइएगा, पासिंग सर्टिफिकेट मांगते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं और लेके जा सकते हैं, इससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा है आप सभी को नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, और चैनल पर नए आ रहे हैं या फिर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग आप सभी को अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।